हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। से कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात पूछना चाहूँगी, जो लोग भी अब मैं रेगुलर व्लॉग डाल रही हूँ उसमें खुश हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अब मैं डेली मतलब एक दिन मिली व्लॉग आता है, एक दिन मेरा ये बड़ा वाला व्लॉग आता है हमारा रेगुलर व्लॉग। तो मेरे को बताना कौन कौन खुश है। वैसे ऑलमोस्ट जो मुझे देख रहे हैं उनका प्यार देख के मेरे को समझ में आ रहा है के सारे ही खुश हैं, और जो नहीं खुश है वो अगर मन करे तो हो जाइए, नहीं तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैं 10 के होमवर्क वगैरह कंप्लीट कराई थी आने के बाद से, तो कंप्लीट और उसमें कुछ पेस्टिंग वगैरह करनी थी स्टिकर्स की, हमारे मतलब जंक फूड एंड हेल्दी फूड का एंड ये सारी चीज़ें, तो बस वही कर रही थी मैं यहाँ पे। काम जाते तो हम हैं और काम भी हमारे लिए ही बढ़ता है, किसी के लिए कुछ नहीं होता सिवाय हमारे। सब कुछ बढ़ जाता है, सब कुछ करना पड़ता है एक साथ में, बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। तो बस सारे वही स्टिकर वगैरह सब पेस्ट किए हैं यहाँ पे मैंने, सारे होमवर्क साइंस इंग्लिश जीके हिंदी मैथ सबका होमवर्क कंप्लीट किया है। एंड ये देखिए यहाँ पे 5 है ना पैट एनिमल्स जो हैं वो लगाए हैं हिंदी में, तो मैम लिख देती हैं ड्रॉ कर दो या पेस्ट कर दो, तो जो ड्रॉ लाइक होता है वो ड्रॉ कर देते हैं, जो पेस्ट लाइक होता है वो पेस्ट कर देते हैं। बहुत दिन बाद जा रही हूँ उसकी, पता नहीं तुम्हारी एक तरफ की चोटी तुमने ये हिला के ना खराब करवा ली चोटी। कंगा लेके फटाफट से भी टाइम है कर दूंगी। तुम भी ना टहनी क्या करते हो, इसने ऊंची नीची चोटी करवा ली। दिखाओ हम दोनों, ये तो सामने से दिखाओ मुझे। अब ठीक, इसकी जो कटिंग हुई थी ना उसके बाद से इसके साइड कलर थोड़ी से छोटे हो गए। मैंने वैसे एक से कट भी किए थे बट फिर वैसे इतने दिन बाद स्कूल जा रही है, कैसा लग रहा है? अच्छा। सिर्फ 4 दिन स्कूल जाना है, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे, क्यों? फिर उसके बाद तुम्हारी वो हो जाएगी कुछ लग रहा है, फिर उसके बाद ये नवरात्रि की छुट्टी हो जाएगी दुर्गा पूजा की, छुट्टी 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 है ना। इधर ना दूसरा दांत भी टूट गया रहने का कल। अच्छा, इसके दांत जो है टूटे हैं वो एकदम प्लेन थे यहाँ से, अब जो आ रहे हैं दांतों के ऊपर यहाँ की जो लेयर होती है मतलब लेयर नहीं यहाँ का टॉप जो होता है वो टॉप सेक्शन ऐसा आ रहा है जिग जैक वाला होता है ना कुछ बच्चों का, तो वो वाला है। मत लगाओ जी, दांत में पेड़ उगाएगा दांत की जगह, फिर रोती रहना, जैसे कल टूटा था दांत रो रही थी उससे भयंकर पता चल जाएगा। खेल मत समझो उसको, मना किया है मत करो, समझ ही नहीं आ रहा। पीछे घूमना, ऐसे खड़ी हो सीधे। हाँ मैंने बोला ना एक तरफ की चोटी बढ़ी जाती है, एक तरफ की चोटी मुझे लगा इधर के बाल इसके इतने कट करने पड़ेंगे तब जाके दोनों बराबर में इक्वल आएंगे। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, शाम को मैं बच्चों के लिए बना रही थी खाना, तो पहले मैंने पूछा रोटी बनाओ, फिर मैंने कहा लाओ यार भिंडी की सब्ज़ी है तो पराठा ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तिकोन वाले पराठे जो है बनाए हैं दोनों के लिए, एक आधे ये लोग ऐसे खाते हैं, दो लोग दो ही पराठे खा पाते हैं ये लोग, इतनी ज़्यादा इनकी बहुत ज़्यादा भारी भूख है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मैं इसका रूटीन शेयर करूँ हनी का, तो सच बताऊँ तो मेरे बेटे का कोई ऐसा पंचुअल रूटीन नहीं है, बस हाँ एक चीज़ का रूटीन है, सुबह उठता है सबसे पहले उसको बॉटल का मतलब बॉटल मीन्स बॉटल तो नहीं लेते मेरे बच्चे, सिपर में भर के उसको दूध दे देती हूँ तो वो दूध पी लेता है। अब वो उसके ऊपर डिपेंड है कि वो दूध सारा एक बार में ख़त्म करेगा या दो बार में, वो खुद ही मेरे को बोलना नहीं पड़ता कि बचा हुआ दूध ख़त्म करना है, वो खुद ही थोड़ी देर बाद उसको भूख लगाती है तो खुद से ही वो खा लेता दोबारा आ जाता है। देन उसके थोड़ी देर बाद में मतलब दूध हो गया फिर कुछ ना कुछ उसको देती रहती हूँ, तो ऐसा कोई जैसे दिखाते हैं ना सारे लोग कि ये रूटीन होता है अभी ये दे सकते हैं वो दे सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता यार इतना बच्चा खा पाता होगा जो बाहर थोड़ी थोड़ी देर बाद। मेरे टाइम से ऐसा कुछ नहीं है, बस इतना पता है कि बच्चे को भूख लग रही है मुझे देना है उसको बस, तो उसको दे देता, वो बन गया पराठे। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं आलू फ्राई कर रही थी, आलू की सॉरी केले की बॉइल्ड केले जो है उनको फ्राई की थी, और यहाँ पे बनाई थी मैंने ये दाल तड़का, तो देखने में अभी भी मेरे मुंह में पानी आ रहा है, इतनी ज़्यादा मेरे को पसंद है और इतनी ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, बहुत टेस्टी लगती है मुझे ये दाल तड़का। मूँग की दाल है ये, मूँग की साबुत दाल उसका बनता है, और लिटरली मेरे को बहुत 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 टेस्टी लगता है ये। तो यहाँ पे ये मैंने
ये आप लोगों ने देखा था, ये शूट किया था मैंने, तो मैंने ऐसे ही ना ये रील बना ली थी बिना बात के ही ऐसे ही। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ, हाँ मैं बताना भूल गई, हम लोगों ने जियो लगवा लिया तो नेट एंड एवरीथिंग सब कुछ इससे ही होगा हमारा। और अब मैं जा रही हूँ घर का सामान लेने, और आज है पंचमी, पंचमी मॉर्निंग में देखते हैं, ओ आफ्टरनून में देखते हैं क्या क्या बाहर का क्या लोकेशन है। मैं वैसे पर्स वर्स लेके तो नहीं जाती हूँ, बट लेके जा रही हूँ, नहीं मैं लेके जाती हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ क्या करती हूँ, यानी कि स्कूल की भी छुट्टियाँ हो गई हैं, सब कुछ अभी क्लोज्ड है, कुछ नया नहीं है। मैं ये वाला पर्स लेके जाऊँगी आज, दिस वन, तो ये वाला लेके जाऊँगी मैं, और अपना वॉलेट निकाल लूँ मैं। अरे कहाँ गया, वैसे वॉलेट की नीड होती नहीं है बट फिर भी ये तो आई थिंक इसी में है, मैं निकाल लेती हूँ। एक्चुअली चाबी वाबी रखनी होती है ना, और ये कल से ब्लाउज एंड ये नहीं टंगा हुआ है, निकाह हटाया ही नहीं है मैंने, आज टाइम नहीं मिला क्योंकि दोपहर में आ गए थे वो जियो वाले ठीक करने वाले, मतलब लगाने वाले। अब जियो पता है जितने का, मैं जियो का बहुत सही है क्योंकि जियो लगवाने से आपको वाईफाई प्लस आपका सब कुछ मिल जाता है, HD चैनल एंड एवरीथिंग, तो मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। बस देख रही हूँ बाहर कुछ है तो नहीं है, नहीं, लिस्ट का फ़ोटो खींच लिया, फ़ोन ले लिया, ओके एवरीथिंग इज़ ओके, लॉक लगा दो। वेट 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 कर रही हूँ मैं, हनी एंड उसके पापा दोनों लोग गए हैं बाइक लेने, बाइक गाड़ी जो भी लाएंगे देखते, दोनों लोग मिलके गए हैं। और मैं घर से आई हूँ 13 तारीख को, एंड 13 तारीख से लेके आज, मतलब मैं यहाँ पे 13 आ गई, 13 की सुबह से लेके आज मैं बाहर निकली हूँ। अच्छा मैं मिक्कू जैसा डॉग दिखाती हूँ, अभी हम मिक्कू की वीडियो देख रहे थे, मतलब यूट्यूब, मतलब टीवी में यूट्यूब चल गया है ना, तो मिक्कू की और टैनी की वीडियो देख रहे थे, अब मैं आपको दिखा रही हूँ रियल में मिक्कू। मुझे ऐसे देख के ना अपने डॉग की याद आ गई, हमारा मिक्कू सेम इतना ही बड़ा होगा जहाँ भी होगा, और इतना ही बड़ा होगा। हम लोगों ने जिनको दिया था उन्होंने वो बाहर, मतलब आउट ऑफ कंट्री चले गए, सॉरी आउट ऑफ इंडिया चले गए, तो वो मिक्कू को दूसरी जगह दे गए हैं। सेम ऐसा ही लगता होगा मिक्कू भी, सेम हाइट एंड ग्रोथ सब कुछ उसका ऐसा ही हो। चलो भैया आपको दिखाते हैं, तो ये यहाँ पे बने हुए हैं पहाड़ की थीम में बने हुए हैं ये यहाँ पे, अब बहुत ही प्यारा लग रहा था दिन में जब ऐसा लग रहा है, तो रात में तो और सॉलिड वाइब देता होगा। बहुत ही अच्छे प्यारे प्यारे पंडाल बने हैं, पास पास में ही बने हैं, मतलब वो वही होते हैं पास पास में ही होते हैं सारे, और बड़े बड़े जो होते हैं वो होल नाइट देखने जाने पड़ते हैं। तो जो भी मैं जैसे भी जाऊँगी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी ही करूँगी, फुल व्लॉग एंड मिनी व्लॉग एंड एवरीथिंग। तो ये मैं व्लॉग मेरा कल जाएगा, लेकिन ये व्लॉग मैं आज ही एडिट करके रख दे रही हूँ षष्ठी पे, ये व्लॉग जाएगा मेरा अष्टमी पे, तो आप अंदाज़ा लगा लेना काम कितना पहले करके रखना पड़ रहा है, क्योंकि कल मेरा बिजी बिजी दिन रहेगा, आज भी रात से रहेगा, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि टाइम वेस्ट हो फिर, और हाल 2 बज जाते हैं हपड़ तपड़ में लेट हो व्लॉग, इसलिए मैं चाहती हूँ टाइम से ही व्लॉग मेरा जो है पब्लिश हो जाए, और मेरे को भी ज़्यादा वो नहीं मेहनत नहीं करनी पड़े कि अरे मुझे एडिटिंग करना है, अरे मुझे ये करना है, तो वो सब मेरे को टेंशन ना रहे कल, ठीक है। तो इस वजह से तो जो भी होगा कल क्या होने वाला है सप्तमी पे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी जो भी होगा, है ना। तो बस यहाँ पे है ना, ये देखिए हम तो सामान लेने गए थे ना, तो उस टाइम पे तो भी हल्का हल्का दिन था, 5:30 बजे ये हो जाता है यहाँ पे, हमारे यूपी में 7:30 बजे होता है और यहाँ पे 7:30 बजे तक होता है, और यहाँ पे 5:30 बजे तक हो जाता है। तो बहुत सुंदर लाइटिंग लग रही थी रात के टाइम पे जब निकलो, तो भाई पूरा कोलकाता ऐसा दुल्हन की तरह सजा रहता है ना, आपको क्या बताऊँ, बेस्ट बेस्ट पूजा होती है यार यहाँ पे, मतलब देखने दिखाने लायक, आई लव इट, मुझे बहुत 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 आई लव इट एंड आई लाइक इट, बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। बस घूमते रहो खाते रहो पीते रहो मस्त घूमते रहो, यही है ज़िंदगी और कुछ नहीं है, छोटी सी है ज़िंदगी, जी लो और जीने भी दो दूसरों को,
कुछ लोग चैन से जीने नहीं देते ना, दूसरे लोग मतलब कुछ लोग देख के ना ऐसा जलते हैं, अरे ये खुश क्यों रह रहा है, पर मेरे को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, जो चाहे कोई कुछ भी सोचे, मैं तो अपने में ही खुश रहती हूँ और जो मुझे करना है मैं वही करती हूँ, जिसको जो फ़र्क डालना है डाले, नहीं डालना वो डाले। अच्छा, इस वाले सेक्शन में यहाँ पर ट्रॉफियाँ रखी हुई हैं, ये यहाँ पर बौलागा मार्ट के जो बने हुए हैं, तो मतलब मार्ट के नाम है यहाँ पर, मतलब मैदानों के, तो यहाँ पे भी बने हुए हैं, तो ये भी देखने जाना है, बहुत ही प्यारे प्यारे बने हुए थे वो, तो रास्ते में मैं रिकॉर्ड कर रही थी आप लोगों के लिए, मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत झलक आपको भी दिखा देते हैं, तो मैंने दिखा दिया। तो यहाँ पे हम पहुँच गए हैं ये विशाल के अंदर, और हम हनी को बिठा रहे थे इस ट्रॉली में, और हनी नहीं बैठने मांग रहा था, बोला नहीं बैठूँगा ज़बरदस्ती, क्योंकि फिर वो इधर उधर भागता है ना, तो फिर परेशान ज़्यादा कर देता है, फिर मतलब आता नहीं है फिर हाथ में, ऐसा कर देता है, तो इस वजह से मैं ना उसको ना पक पक बिठा ही देती हूँ ट्रॉली में, मैंने कहा बैठ जाओ वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है, बैठने को ही नहीं, देखें दोनों लोग मिलकर बैठा रहे हैं बट वो नहीं बैठ रहा है। तो बस हम लोग यहाँ पे ऊपर आ गए, ऊपर में हम लोगों ने कुछ जो मेन मेन सामान था, नमकीन बिस्किट एंड ये चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो सारी चीज़ें ली हैं, जो भी चीज़ें ली हैं वो आप लोगों को मैं आगे में दिखाई दूँगी, तो देख लीजिएगा। ऑलमोस्ट हमने सारे सामान जो लेना था ले लिया, ज़्यादा नहीं लेना था, जो भी लेना था ले लिया है हमने, और चाह रहे नीचे। हनी को हम बहुत बचते बचाते लेके गए हैं, क्योंकि टॉय सेक्शन पड़ता है सेकंड फ्लोर पे ही, और बस उसकी निगाह पड़ते ही वो वहीं मचल जाता, मतलब तो वैसे ऐसा नहीं है कि मचल रहा है तो फिर उसके बाद आपको ठीक हो गया नहीं देगा, उसका थोड़ी देर का ही मचलना है, फिर उसके बाद दिमाग उसका ना डाइवर्ट हो जाता है इधर उधर दूसरी चीज़ों में हम कर देते हैं, तो जैसे ही उसका माइंड मतलब डिस्ट्रैक्ट होता है उसी के हम फ़ायदा उठा लेते हैं, हम मैं ऐसी माँ हूँ कि बच्चों का फ़ायदा करती हूँ, माइंड डिस्ट्रैक्ट होते ही फ़ायदा उठा लेती हूँ मैं। सो, ये चीज़ करनी चाहिए बच्चों को ना, जब कोई चीज़ चाहिए या ऐसा कुछ है तो बच्चों का ना माइंड डिस्ट्रैक्ट कर दो, दूसरी चीज़ में लगा दो, तो बच्चे ना जिद भी नहीं करते हैं उस जगह पे, और आपको परेशानी भी नहीं होती। वैसे टैनी का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर पाना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, हनी का तो अभी कर लेती हूँ पर हनी का भी पता नहीं है, और मैं आपको एडवाइस दे रही हूँ, और मेरा बच्चे जो है मेरे को खुद परेशान कर देते हैं बहुत ज़्यादा। गाइस, ज़्यादा तो सामान नहीं लाई हूँ मैं, यही कुछ लाई थी थोड़ा बहुत जो भी ख़त्म हो गया था, जैसे कि ये हो गए हमारे ड्राई फ्रूट्स में काजू जो ख़त्म हो गए थे, और दालें हो गई थी दो तीन ख़त्म, ये हमारा हाफ पेक, ये दिख गए थे मंचाओ वाले वेजीज नूडल, तो ये अपने लिए लेके आए हैं, ये हमारा हो गया लाइजोल, हल्दी, धनिया पाउडर, ये कुछ कुछ चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो लेके आए, ज़्यादा नहीं ख़त्म हुआ इसलिए मैं आप लोगों को पर्टिकुलर नहीं दिखा रही हूँ। जैसे ये मस्टर्ड शीट्स है, तो ये हो गई, नमकीन लेके आई हूँ, ये ख़त्म हो गई थी बीकानों की, काफ़ी टाइम तक चलते हैं पैक ये दोनों, तो भुजिया के बच्चे खा लेते हैं, ये मैं खा लेती हूँ, और कोई आ जाए तो लगा दो गेस्ट को, और ये हमारे हैप्पी हैप्पी बिस्किट, तो बस यही सारा सामान लेके आई हूँ। ये क्या है, ये जीरा है, जीरा लेके आई हूँ, तो बस यही है, इसलिए मैं आपको पर्टिकुलर ब्लॉग से नहीं दिखा रही हूँ। शॉपिंग हो गया, सब हो गया, थोड़ा बहुत दुर्गा पूजा भी मैंने आप लोगों को दिखा दिया, अब जो भी दुर्गा पूजा वगैरह जो भी होगा हम जाएंगे कल से, कल षष्ठी है, एंड ये ब्लॉग जो है आप देख रहे हो सप्तमी को, मेरा पंचमी वाला ब्लॉग सप्तमी को देख रहे हो आप, और हम मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, देखे लव यू, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और अपना प्यारे से देते रहिए, बाय बाय।